And now I am Akunda, destroyer of worlds. तो मेरे दोस्तों मिड ऑफ 2020 में ज़ेब्रोनिक्स ने लॉन्च किया था एक रेवोल्यूशनरी साउंड बार जो कि उस टाइम पर बड़ा इनोवेटिव था एंड इट स्टार्टेड सेलिंग एज हॉट केक्स और इतना ज्यादा बिका वो प्रोडक्ट एंड इतना पॉपुलर हुआ। ये प्रोडक्ट था ज़ेब्रोनिक्स का ज्यूक बार 9400 5.1 साउंड बार, बहुत ज्यादा सेल हुआ था उस टाइम पर। एंड आपको ध्यान होगा कुछ ही दिन पहले मैंने इनका 9550 प्रो जो कि एक नया साउंड बार लॉन्च किया था ज़ेब्रोनिक्स ने 5.2 सपोर्ट के साथ में, वो रिव्यू किया था और उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी के चलते ज़ेब्रोनिक्स ने मेरे को एक पर्सनल साउंड बार भेजा मेरे खुद के छोटे से होम थिएटर सेटअप में लगाने के लिए। तो आ गया है मेरा वो प्रोडक्ट, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है मेरे दोस्तों ज़ेब्रोनिक्स ज्यूक बार 9400 प्रो स्पेशल एडिशन विद डूडल आर्ट। इस साउंड बार के जो एस्थेटिक्स है मेरे दोस्तों बिल्कुल ही यूनिक और स्टैंड आउट करने वाले हैं और ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि आर्ट के शौकीन है, मतलब आर्ट में कला में दिलचस्पी रखते हैं, मतलब मेरी तरह के कलाकार लोग, आप समझ रहे हैं। सो दिस साउंड बार इज डिजाइन बाय द रीनोन डूडल आर्टिस्ट शांतनु हजारिका, जिनका इंडियन एनएफटी रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 3-time टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है एंड एक सुपर क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं जिनके फाइन टच से डिजाइन किया गया है ये अमेजिंगली यूनिक साउंड बार, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके बारे में पूरा जानेंगे क्या क्या मिलता है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे मेरे छोटे से होम थिएटर में और एक साउंड एक्सपीरियंस जल्दी से लेंगे और फिर बताऊंगा मजा आया नहीं आया। सो वीडियो को पूरा तक देखें और कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, वी विल बी राइट बैक। तो स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट ऑल वी आर गेटिंग इन द बॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को 150 वॉट आरएमएस का ये बड़ा सा पावरफुल सबवूफर मिल रहा है। इसके ऊपर बना हुआ आप ये आर्ट डिजाइन देखो कितना शानदार और आई कैचिंग सा लग रहा है। देन वी आर गेटिंग द मेन साउंड बार विद 225 वॉट्स आरएमएस ऑफ साउंड आउटपुट एंड 3 ड्राइवर्स। इसके बाद में अपने को 275 वॉट्स ईच आरएमएस के रियर सैटेलाइट स्पीकर्स मिल जाएंगे एंड इसके अलावा अटैच करने के लिए आपको कुछ केबल्स मिल रही है, इसका रिमोट कंट्रोल मिल रहा है एंड साथ में वॉल माउंटिंग करने के लिए थोड़ा सा हार्डवेयर मिल रहा है। सो इन टोटल 525 वॉट्स आरएमएस का आपको कंबाइंड ऑडियो आउटपुट इसमें से मिलने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे छोटे से घर में मैं इसको कभी फुल वॉल्यूम पर यूज कर भी पाऊंगा या नहीं, बट ट्राई करेंगे कितने हम हायर तक जा सकते हैं इसमें, अभी टेस्टिंग भी करेंगे। फिलहाल इसका ऑन टेबल डिजाइन तो आप देख ही रहे हो और शॉर्ट्स भी आपने देख ही लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये चीज जरूर बताना कि क्या आपको ये यूनिक एंड आई कैची डिजाइन लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी जो साउंड बार्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पियानो ब्लैक मैट ब्लैक इस तरह के होते हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर से होते हैं, उतने आई कैची नहीं लगते, डिस्टिंक्टिव नहीं लगते, एक जैसे ही लगते हैं सारे सारे राइट। बट ये ऐसा है कि अगर ये साउंड बार्स काफी सारे पड़े और उसके बीच में रखा होगा तो एक बारी को आपकी नजर इस पर जरूर जाएगी कि यार ये थोड़ा स्पेशल सा लग रहा है, तो आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना एंड डेफिनेटली दिस इज फॉर द आर्ट लवर्स मेरे जैसे ऑफ कोर्स। नाउ इसका जो ये सबवूफर यूनिट है जो कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर अपने को फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं, आप चाहें तो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कीजिए वो ज्यादा इजी रहेगा, बट फिजिकली कंट्रोल करना चाहते हैं अगर लेट सपोज अपने फोन से आप गाना सुन रहे हैं फिजिकली आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर फिजिकल बटन्स दिए गए। सबसे पहले अपने को पावर ऑन एंड ऑफ के लिए बटन मिल रहा है, उसके बाद में ऑडियो को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए अपने को बटन मिल रहा है एंड देन वी आर गेटिंग अ बटन टू चेंज द मोड कि आप ब्लूटूथ के ऊपर आप इसके जो कनेक्टिविटी है वो चाहते हैं या फिर आप HDMI से चाहते हैं या फिर आप किसी और वे में चाहते हैं, तो वो सब चीजें कंट्रोल करने के लिए ये वाला स्विच है। साथ ही में फ्रंट पर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले भी मिल रहा है जहां पर आपको दिख जाएगा कि आप किस मोड से कनेक्टेड हैं, आपका ऑडियो लेवल कितना है एंड आपका डिवाइस पावर ऑन है या ऑफ है। वैसे तो ये पूरा का पूरा जो साउंड बार सेटअप है दिस इज अ वायर्ड सेटअप, यहां पर आपको किसी भी तरह का वायरलेस सेटअप नहीं मिल रहा जैसा कि हमको 9550 प्रो में मिलता है जिस पर मैंने अभी वीडियो किया था, तो पूरा वायर्ड है तो मुझे थोड़ा सा लगाने में कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगी, हो सकता है आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो, अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो पता लगेगा। फिलहाल के लिए आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियो का मजा अपने फोन से लेने के लिए, बट क्योंकि ये साउंड बार सेटअप सपोर्ट्स डॉल्बी ऑडियो तो अगर आप डॉल्बी ऑडियो का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इट इज मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप HDMI ARC कनेक्शन के थ्रू ही अपना ऑडियो आउटपुट जो उसको लें, और जब आप इसको HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने टीवी के साथ में स्मार्ट टीवी के साथ में तब आप प्रॉपर डॉल्बी ऑडियो का मजा जो है अपने मूवीज में ले पाएंगे, वही हम लोग करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द ओपनहाइमर बॉम्ब सीन, क्योंकि मुझे लगता है उसमें सबसे ज्यादा इसका मजा और फील जो आने वाला है, तो ऐसा कुछ थोड़ा आगे का सीन रहने वाला है। बाय द
द वे नॉट टू फॉरगेट ज़ेब्रोनिक्स ने मुझे ये भी भेजा है साथ में विच इज देयर ज़ेब ब्लेज एक्सेल आरजीबी माउस पैड. दिस इज ऑल्सो द डूडल एडिशन. इस पर भी आपको पूरा ये ऐसा ही इनोवेटिव सा आर्ट जो है शांतनु की तरफ से वो देखने को मिलेगा. एंड क्योंकि थोड़ा सा व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन में ये आर्ट है तो ये मेरे पीछे सेटअप में बहुत अच्छे लगने वाला है. जहां पर मेरा सिस्टम आप देख सकते हैं व्हाइट है मेरा केस और मेरे मॉनिटर्स ब्लैक है, मतलब ब्लैक व्हाइट मिक्स ही है सब कुछ. तो वहां पर ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा तो मैं इसको पीछे जरूर यूज करूंगा अपने सेटअप में. एंड दिस इज गोइंग टू लुक लवली. बाय द वे अगर ऐसे अमेजिंग एक्शन फिगर्स आप जो है वो खरीदना चाहते हैं इंडिया के कोने में कहीं पर भी बैठे हुए हैं बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग के ऊपर, ऐसे अमेजिंग हाई क्वालिटी हाई डिटेल्ड फिगर्स को बाय करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट माई ब्रदर ओवर इंस्टाग्राम. आज इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए फिगर्स डॉट इंडिया, फिगर्स इंडिया का पेज आपको मिल जाएगा. अनबीटेबल प्राइसिंग के ऊपर युवराज भाई से घर बैठे हुए आज ही आप ऐसे कमाल के फिगर्स मंगा सकते हैं जो कि आपके शॉर्ट्स को या आपके सेटअप को और अट्रैक्टिव और ज्यादा अपीलिंग बना देंगे. A few moments later. तो गाइस साउंड बार को हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं. अब आपको कुछ चीजें बता देता हूँ छोटी छोटी जो कॉम्प्लिकेशंस मेरे को आई और जो आपको शायद आ सकती है. तो जितने भी इसके यूनिट्स हैं बीच में कोई भी वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, यू हैव टू कनेक्ट वाया केबल्स ओनली. तो उस चीज का ध्यान रखना है. अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो मेरे को आई उसकी रीजन भी बताऊंगा. सबसे पहली चीज ये आप देख सकते हैं साउंड बार को हम लोगों ने टीवी के नीचे लगा दिया. थोड़ा सा जरा हमारा घर थोड़ा पुराना है उसको माइंड मत कीजिएगा, जब नया बनाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे जरूर किसी वीडियो में. फिलहाल ये साउंड बार जो है ये हम लोगों ने इधर लगा दिया दीवार पे, बस दो स्क्रूज को जो है हम लोगों ने ड्रिल किया उसमें इसको फिट कर दिया, डन. सैटेलाइट जो है इसके, सैटेलाइट कायदे से मुझे पता है पीछे की तरफ होने चाहिए, जहां पर आप बैठे हैं आपके सोफा के पीछे आपके कानों के दोनों तरफ होने चाहिए. बट ये देखिए हमारे कान लगे हैं. अब बहुत सारे ज्ञानचंद लोग आकर मुझे बोलेंगे कि नहीं ये तो पीछे ही लगते हैं, पर भाई कुछ वजह है. वजह ये है कि एक तो वायर्ड है ये, दूसरी चीज हमारे घर में इधर दरवाजे हैं तो दरवाजों के बीच में से वायर जा नहीं सकती, और क्योंकि हमारे घर में एक डॉग है जेरी तो इस वजह से हम लोग कारपेट बिछा नहीं सकते. तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसको सामने लगाने के. तो ये दोनों सैटेलाइट्स लग गए हैं. अब सिंपली जो इसका सब वूफर है, सब वूफर को आप टेबल के ऊपर नहीं रखेंगे, ये मैंने अभी सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, इसको आप रखेंगे साइड पर नीचे की तरफ, ठीक है. जितने भी कनेक्शंस हैं सारे इसमें ही होने हैं. ये वाले केबल्स आपके साउंड बार में तीन कलर्स है, व्हाइट रेड एंड ब्लू. यही सेम कलर के आपको आउटपुट जो है पीछे की तरफ मिल रहे हैं उन्हीं में पोर्ट्स में आपने बस इसको सिंपली यू हैव टू प्लग इन. ये लग गई आपकी साउंड बार एंड देन सिंपली सैटेलाइट्स के दोनों आपके लेफ्ट एंड राइट के हैं वो आपको लगा देने हैं. उसके बाद में डोंट फॉरगेट दिस स्टेप कि HDMI ARC कनेक्शन से ही आपको इसको प्लग इन करना है ताकि अपने टीवी में जो फुल वो डॉल्बी वाला फील है ना वो आप लोग ले पाए. तो अब जल्दी से चलो साउंड टेस्ट कर लेते हैं. अमेजिंग भाई, मजा आ गया ना, फुल होम थिएटर एक्सपीरियंस एक नंबर.